हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम देखेंगे एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑफ रेक्टिफिकेशन। ये जो रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है एंड इसके अंदर ना कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तीन कॉन्सेप्ट्स है, तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सम्स आते हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। इतना सिंपल सा चैप्टर है ये। बट अगर क्वेश्चंस देखोगे, अगर आप इंटेलेक्चुअली अगर क्वेश्चंस को देखोगे सॉल्व कैसे करना है, तो उसमें आपको थोड़े से ऊपर वाले लेवल तक अपना दिमाग को यूज़ करना है ऑफ कोर्स। एंड ये वाला चैप्टर बहुत इजीली हो जाता है, सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज है, लेंथ निकालनी है, फिर उसके बाद आर्क क्या होते हैं, कर्व्स कैसे हम करते हैं, सारी चीज़ें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हम ज्योमेट्री में पढ़ा करते थे, हमारे सर्कल के रिगार्डिंग, सर्कल का अगर आपको पैरामीटर पता है, वी ऑल नो ना सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, हमारे पास 2πr होता है। लेकिन ये 2πr क्यों होता है, हम ये निकाल सकते हैं ये चैप्टर के थ्रू। हम प्रूव कर सकते हैं कि वो पैरामीटर, हमारा पैरामीटर कहो या सर्कमफेरेंस कहो, वो 2πr क्यों है, ये भी आप प्रूव कर सकते हो इसको यूज़ करके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटे से पार्ट को लेते हैं, उसको इंटीग्रेट, उसको 4 times मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज वी नो अगर हम सर्कल ले रहे हैं तो हमारा सर्कल इस प्रकार से होता है, और अगर मैं इसे हमारे कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से कर दूँ तो जितना ये पार्ट है उतना ही ये भी, तीनों पार्ट मतलब इक्वली डिवाइडेड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर छोटू से पार्ट वाले के लिए ना हम लोग लेंथ ऑफ कर्व निकालते हैं, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए। अगर सर्कमफेरेंस निकाल रहे तो लेंथ ही चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं लेंथ ऑफ कर्व निकालते हैं एंड देन उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे ना, इमीडिएटली आपको आंसर्स आ जाते हैं। अब ये वाला चैप्टर करने के लिए भी इंटीग्रेशन, ये जो सेमेस्टर 2 है स्पेशली ना, अगर आप देखोगे सेमेस्टर 2 ले लो या कोई यूनिवर्सिटी में, ये सेमेस्टर 3 में होगा, किसी में 4 में होगा, लाइक डिपेंडिंग होता है, वेरिएशन होते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, सेमेस्टर नहीं, हम एक चैप्टर, हम एक मॉड्यूल, हम एक टॉपिक, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हमें ना इंटीग्रेशन जो होता है, पर्टिकुलरली ये पूरे चैप्टर्स में इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स क्या, कब, कहाँ, कैसे लेने हैं, कितना ले रहे हो लिमिट। अगर ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन ले रहे हो तो कहाँ से जाएगा, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक आपके लिमिट्स जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखते हुए हर चीज़ों को करना है। तो काफ़ी ईजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसके अंदर, बट हमें करना है। सो ये चैप्टर में रेक्टिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अगर हमें कोई भी कर्व दिया गया है, कोई भी कर्व है हमारे पास, उसका जब आप लेंथ निकालते हो ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। टू फाइंड लेंथ ऑफ द गिवन प्लेन कर्व इज रेक्टिफिकेशन। डिफाइन करने किसी ने बोल दिया, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, तो क्या कहोगे, अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर कर्व दी है, हम उसका लेंथ निकाल रहे हैं, तो वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन होते हैं। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है, इसे मैंने 3 parts में डिवाइड किया। बेसिकली कोई 2 parts में डिवाइड करता है, बट हमने 3 parts में किया, सेम है थोड़े बहुत, कुछ अलग अलग। जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ गिवन कर्व गिवन बाय हमारा y इज इक्वल्स टू फंक्शन। y इज इक्वल्स टू हमारे पास जो फंक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है। यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो कैसा होगा, y इज इक्वल्स टू x² + 2x, लाइक डिपेंडिंग वो किस फॉर्मेट में है। ओके, तो x के फॉर्मेट में है ये वाले क्वेश्चन, अगर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है तो उसका लेंथ कैसे निकालना है। लेंथ ऑफ लूप, लूप आप सबको पता होगा, इफ़ यू हैव स्टडीड लूप, हम लूपिंग एंड ऑल देखेंगे हम क्या होता है वो। लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कर्व गिवन बाय r इज इक्वल्स टू f ऑफ थीटा। यहाँ पे अब अलग है, यहाँ पे देखो कंपेयर करोगे ना आप, तो ये देखो ये क्या है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x है, लेकिन यहाँ पे क्या है, r इज इक्वल्स टू f ऑफ थीटा। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी, दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग है, कन्फ्यूज मत होना। इसके अंदर इक्वेशन r के फॉर्मेट में होता है, उधर y के फॉर्मेट में होता है, प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज। काफ़ी इजी चैप्टर है, 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। आज के सेशन में हम देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व given by y is equals to f of x. So let us start our session. And session तो start हो गया था, but अब formula, important formula to find the length is length of the curve of the given question. जो भी question आपको दिया जाएगा तो कैसे होगा, s is equals to length. Length को हम basically जब आप physics पढ़ते थे, physics का बता रही हूँ, physics जब पढ़ते थे तो smallest displacement आप s से denote करते थे ना, लेंथ था वो, हम s से डिनोट कर देते थे। तो वहाँ वैसा ही कुछ समझ लो, यहाँ भी हमारे पास जो नोटेशन है डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए, वो क्या है, s है। अब हमें क्या करना है, s है, लेकिन हमें इंटीग्रेशन क्या होता है, हम इंटीग्रेट करते, छोटे से पार्ट लेते हैं, उसे इंटीग्रेट करते हैं, तो आप पूरा एरिया को कवर कर ले। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 + डिफ्रेंसिएशन dy/dx है हमारे पास, द होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। प्लीज ध्यान देना,
square dy by dx square. These two are two different things. This is not equal. Like ये जो होता है ये हमारे पास second order derivative. अगर आपको y दिया गया है उसका first time derivative करते हो तो वो इस प्रकार से दिखता है. इसे वापस एक बार derivate करोगे आप तो d square y by dx square आपको, तो ये second order derivative हो जाता है. लेकिन ये जो चीज़ है ना ये अलग है. ये क्या कहती है? First order derivative का स्क्वायर करो. क्या कहती है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका स्क्वायर करो. ओके, समझ में आया? तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? अगर हमें दिया गया है y is equals to f of x, तो हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन फ्रॉम x, इंटीग्रेशन कहाँ से जा रहा है? x1 से लेके x2 तक, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx the whole square integrated with respect to x. यानी कि ऑफकोर्स ये लिमिट्स किसके हैं? हमारे x के हैं. अब हमारे पास समझ लो ये प्रकार किसका था? y is equals to के फॉर्म में था. अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया x is equals to f of y, पॉसिबिलिटीज है, ऐसा भी क्वेश्चन पॉसिबल है. तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या फिर लेंथ ऑफ आर्क s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 टू y2. लिमिट्स कहाँ से जा रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं. यानी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करोगे? y के रिस्पेक्ट में करोगे. तो वो आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, उल्टा कर दिया यहाँ पे देखो, dx by dy कर दिया. जैसे कि हम, अगर हमें कोई भी इक्वेशन दिया गया है तो हम क्या कर रहे हैं उसे? dx by dy. यानी डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, और वहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो. ओके, गॉट इट? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अब मेमोराइज कैसे करोगे कि मैम हमें कौन सा कब यूज़ करना है? अगर हमें x इज इक्वल्स टू दिया है, x इज इक्वल्स टू फंक्शन दिया है, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, और जब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो लिमिट्स भी y के आएंगे, ये भी y हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास उल्टा आ जाता है. इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे थे, जो बीच वाला टर्म है उसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करोगे. एज सिंपल एज दैट. यही चीज अगर मैंने आपको दे दी होती y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इस फॉर्मेट में दे दी होती, तब आप क्या करते? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x भी करते, तो लिमिट्स किसकी आ जाती? x की आ जाती. एंड हमारे पास जो बीच का टर्म बचता है ना, बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है, उससे भी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x कर दोगे. सिर्फ उल्टा करना है, y है तो x लोगे, x है तो y लोगे. ओके, समझ में आया? काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला सेम है, बस x के रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में है, उसके ऊपर ध्यान देना है. एंड वी कैन डू इट वेरी इजीली, एंड आई नो दैट यू कैन डू इट वेरी इजीली. ओके, फॉर्मूला देख लिया, अब हम चलते हैं सम की ओर. मैंने यहाँ पे इसे टाइप 1 दे दिया है बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ, यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दी गई है इसमें आपको यूज़ करना है dy by dx वाले फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे वो इजीली सॉल्व हो जाएगा ना. इफ़ यू वॉन्ट dx by dy से कर लो, बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फील इज ना, dy by dx वाला फॉर्मूला इजी होता है. बट सर्टन टाइम्स ऐसे बहुत बार होता है कि कोई कोई चीज़ों में हमें dx by dy ही करना पड़ता है. ओके, तो ये हमारा टाइप 1 है. टाइप 1 वाले में हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ कर्व. हर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में हर क्वेश्चन कैसा आएगा? फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व, फाइंड द लेंथ ऑफ लूप, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क विच इज फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा, इस प्रकार से आएगा. फाइंड द लेंथ, लेंथ व्हाट इज रेक्टिफिकेशन टू फाइंड लेंथ ऑफ कर्व. तो हम क्या करेंगे? टास्क है हमारा टू फाइंड लेंथ ऑफ कर्व. तो वही चीज हमें दी गई है, लेकिन जो इक्वेशन दिया है वो क्या है हमारे पास? एक्स रेज टू 2/3 प्लस वाई रेज टू 2/3 इज इक्वल्स टू ए रेज टू 2/3. अब ये इक्वेशन दिया है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx द होल स्क्वायर dx, राइट? ये हमारा थोड़ा ऊपर हाइट पहुँचने रही थी, इसके लिए ऐसा हो गया है. तो अगर हमें ये चीज़ दी गई है, फॉर्मूला हमारा ये कहता है, अब हमें चाहिए क्या यहाँ पे? अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास टर्मिनोलॉजी नहीं है ये पर्टिकुलर, दैट इज़ dy by dx की हमारे पास वैल्यू नहीं है. बट हमें डिफरेंशिएशन सिखाया गया है, हमें डिफरेंशिएशन आता है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो हमें अगर डिफरेंशिएशन आता है तो कांट यू फाइंड dy by dx? ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड, बिकॉज वी हैव इक्वेशन विच कंटेन्स द टर्म y. तो उसे क्या करना है आपको? हमारे पास इक्वेशन है, x है, y है, a है, तीनों टर्म है उसके अंदर, हमें निकालना है dy by dx. तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? जहाँ भी x है उसे डिफरेंशिएट कर दोगे, और यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, y वाला टर्म है, तो क्या करोगे? dy by dx से मल्टीप्लाई कर दोगे. एज सिंपल एज दैट. तो लेट अस डिफरेंशिएट इट. तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे?
x को डिफरेंशिएट, x रेस टू n है, इसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे? 2 बाई थ्री एक्स रेस टू एन माइनस वन, यानी कि 2 बाई थ्री माइनस वन आपको कितना मिलेगा? 2 माइनस थ्री बाई थ्री, दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री मिलेगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस वन बाई थ्री प्लस नेक्स्ट अगेन y रेस टू वो वाले फॉर्मेट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी, y रेस टू माइनस वन बाई थ्री, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, राइट, बिकॉज आई डोंट हैव दैट टर्म. और ये क्या है? ए क्या होता है? हमारा कॉन्स्टेंट होता है, कोई भी कॉन्स्टेंट हो, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जीरो. तो हमें वो क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट वी नीड इज dy बाय dx. अब dy बाय dx चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी सारी चीज़ों को कुछ कुछ एडजस्टमेंट करके वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर जो भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, जो भी पॉसिबल है हमारे पास, वो हमें परफॉर्म करना है. जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस वन बाय थ्री डी वाई बाई डी एक्स, और हम ये वाले टर्म को उस तरफ जीरो के साथ शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस टू बाई थ्री एक्स माइनस वन बाय थ्री. अब ये टू बाई थ्री गेट्स कैंसल्ड ऑफ कॉस, तो हमारे पास क्या बचा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लेट अस शिफ्ट दिस वाई ऑल्सो दैट साइड, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स रेस टू वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री टू वाई बाय वन अपॉन थ्री. अब ये हमारे पास नेगेटिव पावर्स है, तो हमें क्या कर सकते हैं? यहाँ पे नेगेटिव पावर्स है तो वी कैन डू इस कि उसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो. जैसे कि अगर ये माइनस वन बाई थ्री है पावर में ऊपर है, तो उसे नीचे डाल दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. नीचे अगर नेगेटिव टर्म है ऊपर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो हम थोड़े बहुत एडजस्टमेंट उस प्रकार से कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू जस्ट थोड़ा सा रेसिप्रोकल, तो वो क्या हो जाएगा? y रेस टू वन बाय थ्री अपॉन x रेस टू वन बाय थ्री. और कोई कोई बच्चे कहेंगे कि मैम ये ऐसा भी हो सकता है, ऑफ कोर्स क्यूब रूट ऑफ y अपॉन क्यूब रूट ऑफ x यू कैन राइट, बट वाई टू डू सर्टन थिंग्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड ना? क्यों कॉम्प्लिकेट करना जब हम ऐसे खा सकते हैं, तो ऐसे खाने में कोई मतलब नहीं है. तो हमें ये आंसर मिल गया हमारे dy बाई dx के लिए. हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर चलते हैं. फॉर्मूला के अंदर हमें अब सब्स्टिट्यूट करना है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट सर्टन थिंग्स इन आर सम. आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि द लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx द होल स्क्वायर dx. अब इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन करोगे? आपका जो इक्वेशन है, जो गिवन है, वो यूजुअली आपने देखा नहीं है. इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमारे पास, वन सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है ना, इस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ये सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ना आपने बेसिकली इक्वेशन ना आपने देखा नहीं होगा. बट ये ना एक एस्ट्रॉइड करके एक शेप है, जैसे हमारा रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड ऑल थिंग, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीज़ें, एक्लिप्स, ये सारी शेप्स है ना, उस प्रकार से ये भी एक शेप है जिसका जो फिगर है ना वो इस प्रकार से दिखता है. प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट मत करना, बिकॉज ये इस पर बनाना इतना ईजी नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि बन जाए. It looks, oh my God, something ऐसा, I'm not telling exactly ऐसा, but वो इस प्रकार से दिखता है हमारे पास. और उसका हमें पता है सेंटर कितना होगा? जीरो होगा. आपको और रेडियस कितना दिया गया? जैसे हम हमारे सर्कल के लिए कैसे लिखते थे? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. उसी प्रकार से ये भी समझ लेते, ये क्या हो गया? ए हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा हर जगह पे ए ए. ओके, अब हम जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हम छोटू सा पार्ट निकाल रहे हैं, एंड देन हम क्या करेंगे? उसे चारों के लिए निकाल देंगे. जैसे हमने सर्कल के लिए किया था, अगर मेरे पास एक सर्कल है तो मैं छोटू सा तो मैं क्या करूँगी? एक छोटू सा पार्ट लूँगी, उसको डिफ्रेंशिएट करके चीज़ें निकालूंगी, एंड देन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय फोर, ताकि मुझे पूरे चीज़ पूरे सर्कल का लेंथ मिल जाए. पूरा सर्कल चाहिए ना? उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए, नो, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम इतना सा निकाल रहे हैं, अब हमें क्या करना है? पूरा निकालना है. तो पूरा हम जो निकाल रहे हैं डिस्टेंस पर्टिकुलरली, वो सिर्फ इतने पार्ट के लिए. वॉट इज दिस? छोड़ो, वो सिर्फ इतने पार्ट के लिए. ओके, अब सिर्फ इतने पार्ट के लिए है, तो हमें क्या करना है? उसे फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. वन, टू, थ्री, फोर, इस प्रकार से हमें क्या करना? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे हमें क्या मिलता है? अगर आपका जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, तो वो कैसे हो जाएगा?
a,0 लिखते हो और वही पॉइंट और वो पॉइंट अगर y एक्सिस पे है, y एक्सिस के सिस्टम पे लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है सॉरी, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, y वाले कोऑर्डिनेट को उसका वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पे हम x कोऑर्डिनेट को उसका वैल्यू दे देते हैं। तो उस प्रकार से हमारे पास ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2, यानी कि आपको मिल गए हमारे पास x2 क्या है 0, x1 क्या है a। समझ में आया, काफ़ी इजी टॉपिक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन का जो डायग्राम है वो कैसा दिखता है। ओके अब चलते हैं आगे, होप सो हमें लिमिट्स तो मिल गए, ऑफ कोर्स मिल गए, तो हम लिमिट्स डाल देते, लिमिट्स डाल देते हैं, लिमिट्स क्या मिले हमें, अपर लिमिट मिला 0, x2 कितना मिला 0 मिला और x1 कितना मिला a मिला। उसके बाद हमें डालना है हमारा dy/dx का पूरा वैल्यू, वो हमें क्या मिला -y^(1/3)/x^(1/3) द होल स्क्वायर dx। अब मुझे बताओ एक नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या होता है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस वाली साइन जो है हमारी वो डिसअपियर हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव टर्म का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब उसके बाद ये जो स्क्वायर है इसे आप अंदर ले सकते हो, ऑफ कोर्स ये कैसे हो जाएगा √1 y^(2/3)/x^(2/3)। अब ये डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से ताकि वो थोड़ा सा प्यारा लगे, मतलब अरेंज हो जाए अच्छे से रूल के हिसाब से, तो वो कैसे हो जाएगा हमारे पास x^(2/3)/y^(2/3)/x^(2/3)dx, राइट। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाले टर्म को 2 बाहर निकाल दो, अगर समझ लो मैंने 2 बाहर निकाल दिया, ये जो पावर में 2 है हमारे पास, तो वो कैसे हो जाएगा x^(1/3)/y^(1/3) द होल स्क्वायर, राइट, पावर में ही है 2 डिवाइडेड बाय, कभी कभी बुक्स आर 2, बुक्स अच्छे पढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिल रहा है यहाँ पे डिवाइडेड बाय हमारे पास है x^(2/3), तो उसे भी हम कैसे लिख सकते हैं x^(1/3) द होल स्क्वायर, राइट। अब आपके पास स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर वाला टर्म भी है, अंदर स्क्वायर है इधर स्क्वायर रूट है बाहर, तो आप क्या कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर, हमारे पास बचा क्या इंटीग्रेशन फ्रॉम a 0 to a अंडर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाए, बचा क्या x^(1/3)/y^(1/3)/x^(1/3)dx। ये करने से बेटर अगर और दूसरा सब्स्टिट्यूट अगर ये नहीं करना, इधर से भी आंसर आ जाएगा हमें, हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या है x^(2/3)/y^(2/3)=a^(2/3), राइट, तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखो ये वाली चीज़, ऑफकोर्स हम a^(2/3) यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ तक आ गए समझ लो आ गए, और उसके बाद भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ पे, यू कैन पुट ना a^(a^(1/3) द होल स्क्वायर, यू कैन डू दैट थिंग, तो मैं जस्ट वही कर देती हूँ यहाँ पे, अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा a^(1/3) द होल स्क्वायर, बस सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू को, दैट्स ऑल, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास a^(1/3) हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर है वो हट जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब ये जो x है उसे मुझे नीचे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उसे ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, बिकॉज डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, x के साथ करना है, तो हम क्या करते हैं उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, a^(1/3) कॉन्स्टेंट है तो हम a^(1/3) को बाहर निकाल देते हैं, बचा क्या x^-1/3 dx। अब आपको इंटीग्रेशन आता है x^n का, इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास x^n का x^(n+1)/(x^n+1)/(n+1)। ओके तो अब इंटीग्रेट कर दो तो ये कैसे हो जाएगा a^(1/3) एज इट इज़ बचा, लिमिट्स डालने हैं इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे x^(n+1) दैट इज़ -1/3+1, तो क्या हो जाएगा -1+3/3 दैट इज़ इक्वल्स टू 2/3, तो x^(2/3)/(n+1)/2/3। अब ये डिनोमिनेटर में अगर इसे हमें न्यूमरेटर में लेके जाना है तो वो कैसे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 0। अब ये 3/2 भी कांस्टेंट है हमारा तो हम क्या करते हैं उसको लेके ऑपरेशन करना इज लाइक क्यों करना ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 बाहर आ गया। अब हमें इसके अंदर लिमिट्स लगाने हैं, लेट अस पुट लिमिट दिस इज इक्वल्स टू 3/2 a^(1/3)
एक बार आप जीरो डालोगे तो क्या आएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगी. नेक्स्ट टाइम आप ए डालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए 2/3. नेक्स्ट टास्क, ये ए है, ये भी ए है, आप माइनस के साइन को बाहर ले लो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2/3 ए रेस टू 1/3 इंटू ए रेस टू 2/3. आप इसके अंदर ऑपरेशन लगा सकते हो, इंडाइसिस वाला हमारा, तो वो क्या कहता है, 1/3 प्लस हमारे जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, 1/3 प्लस 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास आंसर क्या मिला, माइनस 3/2 इंटू ए हमें हमारा एस मिल गया. बट हमारा जो ओरिजिनल लेंथ था, लेंथ हमारे आर्क का पर्टिकुलरली, वो क्या था, 4 एस था, 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना था. तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 4 इंटू माइनस 3/2 ए. तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ हमारा जो होता है, जो आपका लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. हैव यू एवर रिटन अ लेंथ ऑफ अ स्केल और अ लेंथ ऑफ अ कार्डबोर्ड टू बी इक्वल्स टू माइनस 2.3 सेंटीमीटर, डिड यू राइट लाइक दिस? नो, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल. हमें नेगेटिव साइड में मिल रहा है वो चीज़ अलग है, बट हमें लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं मिलती यार. तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है उसे. 3/2 ए हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 4/2 इंटू 3 ए दैट इज इक्वल्स टू 6 ए. थोड़ा सा अरेंजमेंट कर ले के लिए मैंने उधर 2 लिखा था, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं. तो हमें टोटल लेंथ निकालने बोला था, टोटल लेंथ बोला, तो फिर सारे पार्ट्स को कंसिडर करना है. ओके, तो टोटल लेंथ आपको कितना मिला, 6 इंटू ए. अब ये ए कोई भी कॉन्स्टेंट है, हमारे पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो भी आपका रेडियस है. रेडियस लिया था ना हमने ए को, तो जो भी आप रेडियस मतलब कि लेंथ जितना है, रेडियस नहीं बोल सकते, ए. ओके, कोई भी एक पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो वो जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दोगे तो आपको पूरा लेंथ मिल जाएगा. ओके, एज सिंपल एज दैट. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन, बिकॉज वो भी हमारे लिए नेसेसरी है एंड जरूरी है, जो कि है हमारा टाइप 2. मैंने इसे नाम दिया है टाइप 2, जरूरी नहीं है आप इसे टाइप 2 की जैसे कंसिडर करो, क्योंकि बाइफोगेटेड हो जाता तो अच्छा रहता है. बट टाइप 2 इज सेइंग दैट आपको किस क्या यूज करके करना है, dy/dx. कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 to y2. x के बोला है ना, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास अगर है तो हमारे पास सारी चीज़ें y के रिस्पेक्ट में आ जाती है. तो ये क्या होगा, dy2 होल स्क्वायर dy. ओके, तो अब आपको लिमिट्स दिए गए हैं, y=1 y=2, ये वाला टेंशन खत्म हो गया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2. बचा क्या आपको, आपको निकालना है dx/dy. क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व. कर्व का लेंथ निकालना है जहाँ पे x=y^4/4 प्लस 1/8 y² हमें इक्वेशन दिया गया है. आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, बिकॉज वी नीड dx/dy. डिफ्रेंशिएट जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो हमें नॉर्मली मिल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx/dy हो जाएगा. और इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, काफ़ी ईजी सम है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर. ओके, सो लेट अस प्रोसीड टूवर्ड्स द सम. चलो करते, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसके अंदर. क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले, x=y^4/4 + 1/8 y². एक्चुअली ये मेरी आदत है, भले मैंने ही क्वेश्चन लिखा है वो, बट मेरी आदत है कि मुझे क्वेश्चन लिखना अच्छा लगता है, चाहे क्वेश्चन पेपर हो चाहे फिर कितना भी टाइम खत्म हो जाए, पर मुझे वो पसंद है. क्योंकि कभी कभी कोई कोई डिजिट सिंबल्स उतारते टाइम ना अक्सर हम गलती कर देते हैं. डोंट डू दैट थिंग. क्वेश्चन जब पेपर से उठा रहे हो, तो मेक श्योर आप सही से उठाओ. हमें क्या चाहिए, dx/dy चाहिए, राइट, dx/dy चाहिए. यानी कि क्या करना है, डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू y. तो डिफ्रेंशिएट कर दो, x वाला कोई टर्म है ही नहीं, टेंशन खत्म. अगर डिफ्रेंशिएट कर दोगे y^n वाले फॉर्मेट में, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन 4, 4 4 गेट्स कैंसिल, बचा क्या, y³. नेक्स्ट टर्म, प्लस 1/8 इंटू ये y² है, 1/y² है, 1/y² का आपको अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y^-2. अब इसका निकाल सकते हो क्या हो जाएगा, -2 y - 2 - 1 आपके पास बचा, दैट इज इक्वल्स टू -3. अब हो गया ना इजीली, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4, माइनस की साइन है तो बाहर माइनस आ जाएगा, बचा क्या इधर हमारे पास, y^-3/4. अब ये -3 जो है, -3 पावर में हमारे पास, उसे हम नीचे ले सकते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस 1/4 वाई क्यूब, मैंने जो ऊपर है हमारे पास y उसे क्या कर लिया नीचे ले लिया, तो ये हमारे पास किस फॉर्मेट में आ जाएगा, वन सेकेंड, ऐसे दिखने लगेगा, दैट इज वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 1/4 वाई क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है कोई इक्वेशन जो हमारा सॉरी फॉर्मूला है वो क्या कहता है, अंडर रूट ऑफ 1 + dx / dy द होल स्क्वायर, आपको स्क्वायर लेना है ये पूरे टर्म का, तो हम क्या करते हैं इसको dx / dy है हमें इसका स्क्वायर चाहिए ना, हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, क्या करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। नाउ वी रिक्वायर दिस वन ऑल्सो, ऑफकोर्स वन भी चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं प्लस वन करोगे आप अगर इस साइड तो आपको उस साइड भी प्लस वन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर प्लस वन इस तरह प्लस है इधर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर फॉर्मूला के हिसाब से है, जैसे जैसे फॉर्मूला मूव कर रहा है वैसे वैसे आप मूव करते जाओ, प्लस वन कर दो तो 1 + y³ - 1/4। अब आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये कैसे दिखाई दे रहा है, a - b² का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a² - 2ab + b² राइट, हमारा a क्या है वाई क्यूब द होल स्क्वायर माइनस 2 × a क्या है हमारे पास y क्यूब, b क्या है 1/4 y³ नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा प्लस नेक्स्ट क्या बचा प्लस b² यानी कि 1/4 y³ द होल स्क्वायर। अब ये कैसे हो जाएगा y⁶। नेक्स्ट यहाँ पे नोटिस करोगे तो y³ गेट्स कैंसिल, बचा क्या आपके पास 2 1s are 2 2s are, बचा क्या 1/2 बचा, ऑफकोर्स नेक्स्ट टर्म प्लस हमारे पास बचा 1/16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, टू y³ 3 है और उसके बाद उसका भी हमारे पास लाइक स्क्वायर है, तो एक्चुअली कैसे दिख रहा है मतलब हमें 1/y³ द होल स्क्वायर, तो ये कैसे हो जाएगा y⁶ ही है ना, ऑफकोर्स 1/y⁶, तो वही चीज़ हमें भी लिखनी है, तो ये क्या होगा y⁶, ये पर्टिकुलर पार्ट की आपको वैल्यू मिल गई ये वाली, चलो लिख देते हैं मैं यहाँ से हटा देती हूँ, यू गॉट द वैल्यू ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है प्लस पूरा टर्म ये -1/2 + 1/16 y⁶। अब ये यहाँ पे आ जाओ, अब देखोगे तो ये 1 है, ये -1/2 है, आप इसे भी इसके अंदर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा y² - +1/2 + 1/16 y⁶। इस प्रकार से मिल जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा पता है, a + b² का फॉर्मूला बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1/2, ये 2ab वाला फॉर्मूला है, प्लस 1/4 y² समथिंग रिजेंबल कर रहा है वैसा, तो उस प्रकार से आप इजीली लिख सकोगे दैट इज इक्वल्स टू a क्या हो जाएगा हमारा y³ हो जाएगा, b क्या है हमारे पास 1/y³ है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/4 y³ द होल स्क्वायर, क्या आ गया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिलेट करते जाओ एंड बहुत ईजी है dx / dy द होल स्क्वायर, ये टर्म की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब नेक्स्ट s इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 to y2, क्या दिया है लिमिट्स हमें दी गई है 1 से लेकर 2 तक है, हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है अंडर रूट ऑफ 1 + d(y), राइट। नेक्स्ट ये पूरे टर्म की वैल्यू हमें क्या मिली, ये चीज मिली, लेट अस सब्स्टिट्यूट, वो पूरा टर्म यहाँ पे लिख दो तो वो क्या होगा y³ + 1/4 y³ dy। अब ये स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर मत भूलना, ये स्क्वायर है, ये रूट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा। अब हो सकता है बच्चों को क्वेश्चन होता है कभी कभी कि मैम कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट क्या होता है 1/2, स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, ये ऐसा हो जाएगा 2 गेट्स कैंसिल, इस प्रकार से होता है ओके, तो स्क्वायर और रूट हमारे पास हट जाएंगे, बचा क्या अब सिर्फ y
वन से लेके टू वाई क्यूब प्लस वन अपॉन फोर वाई क्यूब डी वाई. अब इजीली आप डिफरेंश इंटीग्रेट कर सकते हो, बहुत इजी है. वाई रेस टू एन का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, और स्क्वायर ब्रैकेट डालना जरूरी है. ये क्या हो जाएगा, वाई रेस टू एन प्लस वन यानी फोर अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर ऑलरेडी है, वन अपॉन वाई क्यूब है, वन अपॉन वाई क्यूब है. इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो ना, वाई रेस टू माइनस थ्री. ओके, वाई रेस टू माइनस थ्री का इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वन माइनस थ्री प्लस वन दैट इज इक्वल टू वाई रेस टू माइनस टू अपॉन माइनस टू हो गया. ओके, तो ये माइनस टू हम कहाँ लिखेंगे, ऑफकोर्स डिनोमिनेटर में, तो माइनस टू. नेक्स्ट हमारे पास क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू टू. नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, यानी कि वाई रेस टू फोर अपॉन फोर, माइनस की साइन ले ली और ये क्या हो जाएगा, एट वाई स्क्वायर. एट वाई स्क्वायर कैसे हो गया, फोर इंटू माइनस टू दैट इज फोर इंटू एट टू इज एट, एंड फिर उसके बाद हमारे पास जो चीज़ बची दैट इज माइनस वाले साइन जिसे मैंने यहाँ लिख दिया, और वाई रेस टू माइनस टू था तो मैंने उसे नीचे ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वाई रेस टू टू हो जाएगा डिनोमिनेटर में. अब लिमिट्स डाल दो, तो लिमिट्स जैसे ही डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप हायर लिमिट डालोगे तो टू टू रेस टू फोर अपॉन फोर माइनस वन अपॉन एट रेस टू टू रेस टू टू स्क्वायर सॉरी. नेक्स्ट माइनस वन अपॉन फोर, वन का फोर्थ पावर भी वन ही होगा. उसके बाद माइनस है साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी वन अपॉन एट. अब टू का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, फोर होता है, तो वो लिख दो. उसके बाद टू रूट फोर क्या, टू रेस टू फोर कितना होगा, टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट टू ज़ा सिक्सटीन, तो आप वो सिक्सटीन लिख दो यहाँ पे. ये कैलकुलेटर में करो, मेरे हिसाब से तो कैलकुलेटर में करो, इस प्रकार से करके कोई मतलब नहीं है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे. और जब आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट योर आंसर समथिंग टू बी नियर टू. वन सेकेंड, वन टू थ्री अपॉन, जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैंने तो सॉल्व नहीं किया है कैलकुलेटर में, तो आपको इसका आंसर मिलेगा वन टू थ्री अपॉन 32. अब यहाँ पे बोलोगे आपने मैम सिर्फ लेंथ निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ लेंथ निकालने बोला है, टोटल लेंथ थोड़ी बोली है, सिर्फ लेंथ निकालने बोली थी, तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे सिर्फ एस की वैल्यू निकालनी है, एंड यू नीड टू स्टॉप. यस ऑफ कोर्स स्टॉप, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है. अब लेंथ, टोटल लेंथ पूछेंगे, तो अगर यही क्वेश्चन में अगर टोटल लेंथ पूछी होती, इक्वेशन उस प्रकार से दी होते, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, चाहे फिर ट्वाइस हो या फोर्थ हो या सिक्स हो, जितना भी, सिक्स तो नहीं होता, ट्वाइस या फोर्थ. ओके, सो होप्स आपको समझ में आया है ये सेशन. नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा, ऑफकोर्स आई थिंक से फ्राइडे को जाएगा, तो उसके अंदर हम ये चैप्टर, मतलब ये टॉपिक जो कंक्लूड कर देंगे, एंड उसके अंदर हम लेंथ ऑफ लूप देखेंगे एंड लेंथ ऑफ बाकी सारी चीज़ें देखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी, विल कंप्लीट एवरीथिंग वेरी सून. और मेट्राइसिस का वन शॉट आप सभी लोग वेट कर रहे हो, मेट्राइसिस है और हाइपरबोलिक का लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर जल्दी ही दूंगी, डोंट वरी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगी. सॉरी फॉर द डिले, बिकॉज है थोड़ा सा शेड्यूल मेरा भी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी वजह से. थैंक यू सो मच कि इतना प्यार दिखा रहे हो, कमेंट करना इसी प्रकार से कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर सकूं, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट वाला लेक्चर. ओके, बाय.